गुड इवनिंग एवरीवन, हमें ऑडिबल क्लियर? नॉट, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? ओके, थैंक यू। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं जहां तक कल कर लिया था। उसके बाद इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो गया आप लोग क्लास में? भी चल रहा है? ओके, ठीक है। हाँ तो बताइए, लेवल टू। तो आज देखो, हम कोशिश करेंगे जितना हो जाएगा इसमें उतना कर देंगे। लेवल टू में ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, है ना? 27 क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट देंगे, तो नेक्स्ट वीक डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हमारा भी इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हो जाएगा। हाँ बताइए, लेवल टू में कोई डाउट्स तो 1 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में देख लीजिए। क्वेश्चन पूछना है जो वो बता दीजिए। इस बार आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी है। लगाया है कि नहीं लगाया ये बताइए। लेवल टू ओके। तो नितिन ने पूछा है 9, 11, 12, 15। किसी और को कोई और क्वेश्चन? नाइन इलेवन ट्वेल्व फिफ्टीन। देख लीजिए, किसी को कुछ और पूछना है लेवल टू से कि नहीं लगा रहा है? सूरज, साहिल, आप लोग लगा पाए लेवल टू तक? पहुंच पाए कि नहीं? अच्छा, इसमें कवर हो गए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से।
तो देखिए, इस पे पढ़ने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन तो इसमें कई वैरायटीज होती है, जैसे आपका दिया हुआ है वन अपॉन, जैसे नीचे क्वाड्रेटिक रहती है जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व करके कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे, तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग दिस, इसका इंटीग्रेशन आसान, वन अपॉन लीनियर, तो ऐसा आता है एक वैरायटी। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी ऐसे जा सकता है। तो इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी और तीनों पर अलग अलग डिनोमिनेटर, है ना। तो ये आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, और ऐसा होता है, देखिए नीचे मान लीजिए आपका ऐसा कुछ आ गया, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस ए तो वैसे ही लिखा जाएगा, जब होल स्क्वायर आ जाता है तो स्टार्ट लीनियर से करते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस बी और फिर होल स्क्वायर तक चले जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ क्यूब आता है तो एक और टर्म आ जाता है, वन अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब, एक तो ये दूसरी वैरायटी आती है, ठीक है। और तीसरा आता है कुछ इस तरह का, वन अपॉन एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक रहती है जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर क्या होता है, देखो हर जगह लीनियर है तो ऊपर कॉन्स्टेंट आ रहा है ना जनरली, यहाँ पर देखो नीचे क्वाड्रेटिक आ जाती है जो फैक्टराइज नहीं हो सकती है, तो ऊपर क्या आता है, लीनियर आता है। तो यहाँ मान लीजिए ए, यहाँ पर लिख दीजिएगा ये सब ए बी सी डी ऐसे आएगा ना, यहाँ पर ए और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन में आप यूज कर सकते हैं, बस यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यही तीन वैरायटी है, लीनियर आएगा, या तो क्वाड्रेटिक नीचे आएगा जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, या तो क्वाड्रेटिक आएगा जो फैक्टराइज होके दिया होगा, या क्यूबिक आएगा जो फैक्टराइज होके दिया होगा, जैसे ये फैक्टराइज होके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पार्शियल फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो कुछ कुछ इससे रिलेट होकर क्वेश्चन आने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² - 1 x² + 4 dx, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, कल मैंने बताया था एक तरीका, हर जगह x² लिखा है अगर, है ना, तो हमने क्या किया था कल, डिनोमिनेटर क्रिएट कर लिया था, है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंस करके ऐसा कुछ लिख लिया था। अभी देखो ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा है मुझे, देखिए ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर है ऐसा, क्या है, जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 1 प्लस x² + 4 एंड डिवाइडेड बाय x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4, देखो लिख सकते हैं, है ना, x² + x² 2x² एंड 4 - 1 3, हो गया, ये तो खत्म हो गया। स्प्लिट कर दो, x² - 1 अपॉन x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4 प्लस x² + 4 अपॉन x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय x² + 1, ठीक है। यहाँ dx देखो ये कट गया और यहाँ पर ये कट गया, तो ये क्या बचा, 1 अपॉन x² + 2x² है ना, 1 अपॉन x² + 2² बचा, और दूसरे वाले में क्या बचा, 1 अपॉन x² - 1 स्क्वायर और dx, दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है 1 अपॉन a tan inverse x अपॉन a, ठीक है। ये क्या होता है, 1 अपॉन 2a log x - a अपॉन x + a प्लस, ये आंसर है, इसको मैच कर लीजिए, कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ए लॉग x+1 अपॉन x-1 एंड बी टैन इनवर्स
एक्स बाय टू, तो ए कॉमा बी की वैल्यू बतानी है, तो कर दो कंपेयर। तो देखो बी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1/2 आ गई, यहाँ से बी की जगह कितना लिखा है 1/2, तो बी तो आ जाएगा आपका 1/2। ए देखो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या किया इसको, हाँ रिपीट कर दूंगा एक बार, क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाय टू ये तो लिखा हुआ है, प्लस इसमें ऐसे कर दिया लॉग, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर कितनी आ जाएगी -1, और उस -1 को आगे ले आएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, और लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड 1/2 लॉग 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाय टू। कंपेयर कर दो, देखो ए की जगह कितना लिखा है -1/2, तो ए कॉमा बी कितना आ जाएगा -1/2 कॉमा 1/2, तो -1/2 कॉमा 1/2 से आंसर आपको कौन सा आ जाएगा, ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। काफी सिंपल हो गया ये इसकी वजह से। तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट करना है इसको। तो हमने क्या किया, देखो क्या सोचते हैं ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में देखो क्या सोचा जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आता है, किसी तरह से डिनोमिनेटर बना लिया जाए, है ना, डिनोमिनेटर बना लिया जाए तो क्या हो, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर का कट जाए, है ना, और कुछ पार्ट कट जाएगा तो बाकी बचे हुए पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिवीजन रूल नहीं है, डिवीजन रूल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो डिवीजन में लिखा हुआ है मिक्स करके वो कुछ अलग अलग हो के, या तो डिवीजन का फॉर्मूला बन जाए या तो फिर डिवीजन पूरा हट जाए वहां से, है ना, तो कई बार तो डिवीजन नहीं हट पाता है लेकिन हमारे यहाँ डिवीजन वाले फॉर्मूले बन जाते हैं नाम से, है ना, तो यही सोचा जाता है कि किस तरह से डिनोमिनेटर बनाया जा सके, क्रिएट किया जा सके डिनोमिनेटर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² + 3 लिखा था, और मैंने डिनोमिनेटर में देखा x² - 1 x² + 4 है, तो मैंने उसको ऐड करके देखा तो जो ऊपर लिखा है वही आ गया, तो मैंने ऊपर जो है 2x² + 3 लिखा हुआ है उसको मैंने दोनों के सम के टर्म्स में लिख दिया, और फिर स्प्लिट कर दिया, देख सकते हैं आप जैसे अगला स्टेप है, तो एक एक पार्ट दोनों का कट गया, और फिर ये नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 1/x² + a² जो कि टैन इनवर्स होता है, और दूसरा 1/x² - a², तो ये होता है 1/2a log x - a / x + a। होप सो आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद है सारे, है ना, तो यहाँ से ये आंसर आ गया, और ये क्या दिया हुआ था, ये बराबर दिया हुआ था a log x + 1/x - 1 + b tan 1x के, और a b की वैल्यू पूछिए, तो tan इनवर्स के साथ यहाँ पर b है और tan इनवर्स के साथ यहाँ पर 1/2 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 पहला, और a log x + 1/x - 1 है, और यहाँ पर x - 1/x + 1 है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर -1 आ गई, और पावर को आगे ले आते हैं लॉग की प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग, तो -1/2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, तो ए की जगह रख दिया -1/2, तो आंसर कितना आ गया -1/2, 1/2। इज दैट क्लियर नाउ? प्रज्वल समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, समझ में आ गया होगा, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देख, तो 11 है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1+cos(x - x)tan(x/2) dx, इसकी वैल्यू बतानी है, और ऑप्शंस हैं x tan(x/2) log 1+cos(x) और x log 1+cos(x) एंड नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन देख के मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे देखो क्या आइडिया लग रहा है, देखो कहीं पर ऑप्शन ये दिया हुआ है ये वाला पार्ट, है ना, और कहीं पर आंसर ये दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे सी पार्ट आंसर लग रहा है, ठीक है,
अब देखिए कैसे सोचा। तो मैंने आपको दो आइडेंटिटीज बताई थी, आपकी क्लास में एक बताई होगी कम से कम, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा? e की पावर x एफ एक्स के, है ना? और दूसरा क्या था? एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ये किसके बराबर आता है? एक्स एफ एक्स के बराबर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन से मैंने देखा कि इसी का कोई पार्ट आ गया है, तो ई की पावर एक्स वाला तो है नहीं है, है ना? ये वाला हो सकता है शायद, क्योंकि देखो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, और एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। तो पता करो कि इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है कि इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करके देखो जरा, क्या ये फंक्शन और ये क्या उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, चेक करिए थोड़ा, इसको डिफरेंशिएट करो। कितना आ रहा है बताइए, आ रहा है क्या डिफरेंशिएशन? चार ऑप्शन जो दिए हुए ना इस पे। हाँ, तो किसका डिफरेंशिएशन ये सही लिखा है ना? तो अगर मान लो मैं पहले वाले को फंक्शन लेता हूं, लॉग ऑफ 1 प्लस cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, है ना? तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया, हाफ एंगल फॉर्मूले लगा दिया, -2 sin x/2 cos of x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos, कितना होता है? 2 cos² x/2, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, तो -sin/cos - tan of x/2। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब देखो ये कैसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस x टाइम्स -tan of x/2। ठीक है, तो ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आता है? x f(x) मतलब x log 1 प्लस cos x, ये आपका आंसर। आया समझ में ना? 12 पर आते हैं, 12 था अगला क्वेश्चन, क्या था? 9 11 12 15, 12 देखिए, e पावर x 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर dx, ठीक है? हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन में देखा e की पावर x f(x) जैसा कुछ लिखा हुआ है,
ये e की पावर एक्स जैसा कुछ बनेगा इसमें भी, है ना? कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा बनने वाला है। तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना? ओके, तो देखो कैसे स्प्लिट करें। तो नीचे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, है ना? ऊपर होल स्क्वायर खोला तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ गया। उसको अलग अलग कर दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक पार्ट कट गया। तो ये बच गया वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख दिया माइनस 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये है फंक्शन, ठीक है? ये फंक्शन और ये है फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन। देखो दिख रहा है क्या? वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? तो वो माइनस आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, तो वन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, और चेन रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? ई की पावर एक्स एफ एक्स, e की पावर x इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। चेक करिए कौन सा मैच कर रहा है। सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर, है ना? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, 15। तीन पर आते हैं ना। देखने पर तो बड़ा भयानक लग रहा है ये। x dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है? ये इंटीग्रेट करना है और ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, वन बाय टू एल एन लिखा हुआ है एक जगह, तो लॉग एल एन क्या होता है? लॉग होता है। फिर टू रूट लिखा हुआ है और टू वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और नन ऑफ दिस। तो एक तो तरीका ये है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फायदा होता है कि ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो तो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आईआईटी में जनरली ऐसा बहुत कम ही होगा जहां पर आप ऐसे करके आंसर निकाल दोगे, है ना? या तो आप क्या ऑप्शंस जो होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसको डिफरेंशिएट करते रहोगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे तरीके से करना ही थोड़ा सही रहेगा। तो इसमें देखते हैं क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज तो मैंने ये देखी, क्या एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ठीक है? और देखा मैंने एक्स स्क्वायर ही नहीं, और आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो? वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरा ले सकते हो, है ना? इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो इसमें ऐसे ही मान लिया, लेट टी मान लो, आप लोग शायद वाई मानते हैं, तो वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई कितना हो जाएगा? टू एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी वाई अपॉन टू, है
कितना आ जाएगा, एक्स डी एक्स की जगह लिख दिया डी वाई अपॉन टू को बाहर निकाल दी रूट के अंदर, वन प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया वाई प्लस रूट ऑफ वाई का क्या आ जाएगा क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंपल लगने लगा देखो, तो डी वाई अपॉन रूट वाई प्लस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वाई रूट वाई लिख सकते हैं। देखिए y की पावर 3/2 है ना, तो y स्क्वायर को बाहर निकाल लिया और एक y बच गया, 1/2 इंटीग्रेशन dy अपॉन, इन दोनों में देखो अंदर ही अंदर y कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस रूट वाई बचा, तो 1/2 dy, इस रूट y को अलग कर दिया और बाकी रूट के अंदर क्या लिखा है 1 प्लस रूट वाई। एक और चीज मुझे दिख गया देखो, वन प्लस रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई यहां लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया टी मान लिया किसे, वन प्लस रूट वाई को। अब देखिए वन प्लस रूट वाई जो है खुद रूट के अंदर है, तो उसको और सिंपल करने का तरीका है कि इसको आप टी स्क्वायर मान लो। ठीक है, रूट के अंदर कोई चीज होती है अगर आप उसमें से कुछ मान रहे हो तो क्या करो टी स्क्वायर मान लो उसे। तो 2t dt upon dy is equals to 1 का तो 0, root y का differentiation 1/2 root y। ठीक है, तो देखिए dy upon root y कितना आ जाएगा, 2 उधर भेज दीजिए 4t dt, तो क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 बाहर है, dy upon root y इसकी जगह कितना लिख दिया 4t dt divided by रूट के अंदर 1 प्लस रूट वाई को कितना माना है हमने टी स्क्वायर, तो देखो ये कट गया टी बचा और टी से टी भी कट गया और 2 से कट गया 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 2t प्लस सी। अब इसमें वैल्यू रखते जाइए, बस आंसर आपके सामने 2, टी कितना है यहां से देखो ये है रूट के अंदर 1 प्लस रूट वाई है ना, रूट के अंदर 1 प्लस रूट वाई, और y कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। चेक करिए कौन सा पार्ट आंसर, 2 रूट 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काफी है सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं है इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो उसको सॉल्व किया और सिंपल हो गया, वाई क्यूब को लिख दिया वाई रूट वाई, उससे रूट वाई बाहर निकाल लिया, रूट वाई बाहर आ गया, 1 प्लस रूट वाई का डिफरेंशिएशन बाहर लिखा हुआ है, तो उसको रूट वाई क्या मान लिया टी स्क्वायर मान लिया, ताकि रूट भी आराम से हट जाए और डिफरेंशिएट करके वैल्यूज चेंज की तो सब कुछ कटेगा, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो टी आ जाएगा बाहर, है ना, टू तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है बाहर, तो 2t प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दी वाई के टर्म्स में, वाई की वैल्यू रख दी एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। हाँ, इज दैट क्लियर, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक कंप्लीट कर लिया, 15 तक हो गया। बताइए इसके आगे किसी को कुछ और पूछना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए। सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नहीं भी लगाया है तो देख लो, अगर कहीं पर टफ लग रहा है तो पूछ सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। सेवनटीन्थ ऑल्सो, अच्छा सेवनटीन्थ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, सेवनटीन देखो, dx अपॉन
रूट ऑफ 2 × e^(x−1) ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो मुझे कुछ कुछ कल वाले जैसा क्वेश्चन लग रहा है ना, कि अगर नीचे e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन कहीं ऊपर दिख जाए, और ऊपर नहीं दिखता है तो हम e की पावर माइनस एक्स जैसा ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सोचा जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, तो ऑप्शन देखते हैं थोड़ा, है ना। तो ऑप्शन कुछ सेक इनवर्स करके दिख रहा है, हर जगह सेक इनवर्स दिख रहा है, और सेक इनवर्स के अंदर 2e^(x) दिख रहा है, रूट के अंदर दिख रहा है कुछ, है ना। तो सेक इनवर्स x जो होता है किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/(x√x²−1) है ना, इसी का तो इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स। e^(x) एक मिनट थोड़ा सोचने दीजिए। हाँ प्रज्वल, आप कुछ कहना चाहते हैं? गलती से आप उठ गए। सोचिए, आप भी सोचो क्या कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए है ना, इसमें आप क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऊपर e^(x) तो लेके आना पड़ेगा, तो e^(x) से मल्टीप्लाई और e^(x) से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख लिया मैंने, जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2e^(x²−1). ठीक है, और e^(x) dx तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो e^(x) को भी रहने देते हैं यहाँ पे, हाँ। तो देखो इसमें, देखो डिनोमिनेटर जो था 2e^(x), उसको मैंने √2e^(x²) लिख दिया। अब इसमें देखो y अगर मैं मानता हूँ √2e^(x) को, तो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए कितना आ रहा है, देखो आ रहा है क्या, सॉल्व हो पा रहा है, करो डिफरेंशिएट थोड़ा, एक मिनट है।
कुछ आ रहा है डिफरेंशिएशन अंदर? देखो डिफरेंशिएट करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स है ना, और टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन टू ई की पावर एक्स, तो वन अपॉन रूट एक्स ये तो कट गया, हाँ अब देखिएगा ध्यान से देखना है ना, तो यहां से dx निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, रूट टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर x dy, ठीक है यहां रख दिया कितना बन जाएगा, देखो dx रख दिया रूट टू की पावर e की पावर x अपॉन e की पावर x dy रूट के अंदर, इसको क्या मान लिया था y स्क्वायर माइनस, ठीक है अब देखो हाँ ये तो पूरा एक इसके अंदर है, और क्या लिख सकते देखना, इसमें अगर मैं इसको y लिख रहा हूं दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई की पावर x, तो ए की पावर x को कितना लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है तो देखो ऊपर का रूट टू तो अलग कर दिया मैंने, रूट के अंदर e की पावर x को लिख दिया y स्क्वायर अपॉन टू, e की पावर x को लिख दिया y स्क्वायर अपॉन टू एंड रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस वन, देखो रूट टू से रूट टू कट गया, y स्क्वायर का रूट आ जाएगा y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर बाय टू रूट y स्क्वायर माइनस वन, ये कट गया एक y और टू ऊपर आ गया बाहर निकाल दिया वन अपॉन y रूट y स्क्वायर माइनस वन, ये तो बन गया sec इनवर्स, टू बाहर आ गया और sec इनवर्स y प्लस c, और y कितना था रूट ऑफ टू e की पावर x प्लस c, ये आंसर, देखिए भाई बड़े कमाल क्वेश्चन था ये तो, dx अपॉन टू e की पावर x माइनस वन क्वेश्चन था, तो मैंने ऑप्शन से आइडिया लगाया sec इनवर्स अगर आंसर आ रहा है तो होना हो नीचे क्या होगा ऐसा बन रहा होगा वन अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस वन, तो अंदर x स्क्वायर बनना चाहिए और स्क्वायर में कुछ दिया नहीं है तो हमने रूट लगा के स्क्वायर कर दिया है ना, अब क्या sec का फॉर्मूला बनना है तो उसकी जगह एक सिंपल लीनियर आ जाना चाहिए स्क्वायर के अंदर, तो मैंने उसको वाई मान लिया, वाई मान के डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स की वैल्यू निकाल के वहां रख दी, अब डी वाई में आ गया है सब कुछ तो सब कुछ वाई में होना चाहिए, तो यहाँ से ई की पावर एक्स की वैल्यू भी निकाल ली स्क्वायर करके दोनों तरफ, और ई की पावर एक्स की वैल्यू ऊपर नीचे रख दिया और उसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये sec इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया, sec इनवर्स वाई आ गया और वाई की वैल्यू वापस कर दी, ये आंसर है, तो ये कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आपका sec इनवर्स रूट ऑफ टू ई की पावर एक्स टू टाइम्स डी इज योर करेक्ट आंसर, क्या ये समझ में आया बताइए कितने लोगों को आ गया समझ में, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड इट, नितिन और साक्षी प्रज्वल समझ में आए, सूरज साहिल आप दोनों को आ गया समझ में, बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, वैसे तो लगा लेना चाहिए, नहीं लगाया तो देखिए इसमें अगर कुछ आपको टफ लग रहा है चलो इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं नहीं तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करिए ट्राई करिए, क्वेश्चन है cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय रूट ओवर sin 2x dx,
ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करिए, है ना, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये आप ऐसा समझ लो, ये तो बोर्ड लेवल को भी टच करेगा, है ना, उस तरह का, उस तरफ भी चला जाता है। करिए थोड़ा सॉल्व करिए। यस, एनीवन, किसी से हुआ सॉल्व? ना बना, कोई है जो सॉल्व कर रहा है बताइए, तो हम वेट करें, नहीं तो करते हैं डिस्कस। देखिए हम करते हैं, है ना, तो देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे लिखा है साइन टू एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है, तो देखो ऊपर के होल स्क्वायर में साइन टू एक्स आएगा, है ना, cos x माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो उसमें क्या आएगा, साइन टू एक्स आएगा।
ऑप्शन थोड़ा देखते हैं। आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन क्वेश्चंस में ऑप्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन में दिख रहा है कुछ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट साइन टू एक्स है, तीनों में एक जैसे दिख रहा है, रूट साइन टू एक्स बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सोचना, तो मैं कुछ ऐसा नीचे क्रिएट करूंगा है ना, मैं डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ। तो सोचिए, सोच के बताइए किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ऊपर। बताइए कमेंट सेक्शन में किस किसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ। हाँ नितिन ने बताया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोल लिया, तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो ये पार्ट तो वन हो गया, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया माइनस वन, और ये क्या लिखा है साइन टू एक्स, तो देखो साइन टू एक्स की वैल्यू आ गई है ना, ये वैल्यू उठा के मैंने यहां पर रख दी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन टू एक्स की जगह कितना लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस। देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप होल स्क्वायर खोलेंगे वन कट जाएगा साइन टू एक्स आ जाएगा, और इससे फायदा क्या हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ, आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को वाई रख दो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स, जो कि आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ये दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा देखो, ये है cos x minus sin x into dx, इसको कितना लिख दिया dy divided by root of, पर इसकी जगह इसको तो y माना, y square minus 1। तो ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 upon root of x square minus a square है ना, तो ये होता है log x plus root of x square minus a square plus c, obvious y की वैल्यू रख दो कितनी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस रूट, y की वैल्यू रख दो कितनी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस c, और सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट, और ये वैल्यू है कितनी, ऊपर ही तो लिखा है अभी हमने साइन टू एक्स एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो जैसे ये बता रहे हैं बी पार्ट यही होना चाहिए। बी पार्ट दे रहे हैं ना, तो मतलब यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी है क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करिए और उसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, सेम पैटर्न पर है ना, करिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करिए और मुझे उसका आंसर बताइए, जिसका हो जाए वो हैंड प्रेस कर सकता है।
हो जाना चाहिए अभी आप लोगों से। आई होप सो सब लोग ट्राई कर रहे हैं। हो गया क्या सूरज? चलिए नितिन का आंसर आ गया बी पार्ट। हाँ और किसका किसका हुआ? अच्छा किसी और का आया। हाँ सूरज आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है ना, कुछ बच्चों ने कर लिया है, बाकियों को मैं बता देता हूँ। सिंपल सा है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट साइन टू एक्स है, तो अब देखना है किसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ तो इसका होल स्क्वायर खोल लिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन टू एक्स। यहां से साइन टू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यही यहां रख दो तो ये आ जाएगा रूट वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना लिखा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो देखो यहां से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसको y रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा रहेगा, तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, और अंदर कितना है साइन x माइनस कॉस x, y की वैल्यू वापस रखेंगे तो प्लस ये आंसर। सॉरी वेरी गुड, ठीक है तो ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑल्सो लुक्स गुड। 21 करते हैं, 21 देखिए बताइए क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर x प्लस 6e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 9e की पावर x माइनस 4e की पावर माइनस x dx, दिस इज टेक्निकली गिवन इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स लॉग ऑफ ई की 9 इंटू ई की पावर 2x माइनस 4 प्लस सी। सो दे आर आस्किंग व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये वैल्यूज पूछिए। करिए ट्राई करिए थोड़ा सा। सोचिए ऑप्शन को जो आप सामने दिया हुआ है, सोचिए कैसे आएगा 9 ई की पावर 2x, यहाँ तो ई की पावर x दिख रहा है हर जगह। सोचो सोचो कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ।
देखो e की पावर x है, उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। देखिए तो मैं सोचता हूँ थोड़ा, देखो ये जो लिखा हुआ है लॉग के अंदर, मतलब डिनोमिनेटर में ये आया होगा और सिर्फ ये आया होगा, है ना। और क्या किया होगा कि इसको y मान लिया होगा, तो इसीलिए तो 1/y का इंटीग्रेशन log y आ गया, है ना। तो ये चीज कैसे बनेगी, देखो e की पावर x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 6 e की पावर x × e की पावर -x, ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है दूसरे के। इसी तरह से यहाँ पर 9 × e की पावर x का होल स्क्वायर − 4 × e की पावर x × e की पावर -x dx, ये भी कट जाएगा। हाँ देखो कुछ कुछ दिख तो गया, 4 × e की पावर 2x + 6/9 × e की पावर 2x − 4, ठीक है। तो अब तो डिनोमिनेटर वो दिख गया है ना, अब क्या किया जाए। तो देखो ये एक पार्ट अलग करना है x, तो x आया है तो क्या इंटीग्रेशन के लिए बचा होगा कांस्टेंट। तो देखो डिनोमिनेटर क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 5 e की पावर 2x ऐड कर दिया, 5 e की पावर 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दिया, कैसे देखो ये 4 और ये 5, ये बन गया 9 e की पावर 2x और -4 लिख दिया मैंने अपनी तरफ से। तो देखो क्या बचा, -5 e की पावर 2x बचा, और जब मैंने अगर -4 लिखा है कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए, वहां तो 6 था, तो मतलब अब कितना आ जाए, किसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेगी 6 आ जाए, मतलब यहाँ पर 10 जरूर रहा हो। देखिए भाई समझ पा रहे हैं क्या, इसको सॉल्व कर लो, 9 − 5 देखो वो आ गया 4, और 10 − 4 वो आ गया 6, बैलेंस हो गया। इतने पार्ट को मैं अलग करना चाह रहा था, तो 9 e की पावर 2x − 4 dx, अब कर दिया इसको अलग अलग। तो देखो ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया बाकी बचे हुए में, तो 5 e की पावर 2x, ठीक है, +10 डिवाइडेड बाय 9 e की पावर 2x − 4, ये तो आ गया 1। तो ए की वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, जब इसको इंटीग्रेट करें कहीं है क्या, अरे यार ये तो बहुत भयानक सा आ रहा है, मतलब हमने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दिया। आंसर आप देखो -3/2 ऐसा कुछ आ रहा है। देखो एक्चुअली मेरे दिमाग में एक चल रहा है आइडिया, उससे कर सकते हैं शायद हम। देखिए हाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको एज इट इज रखा अभी, है ना। अब देखिए मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, इसमें e की पावर x को मैंने y रख दिया, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं,
ये लिखा है 4y² + 6/9y² - 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ ये, है ना। अभी इंटीग्रेशन पर नहीं जा रहे हैं, मैं बस इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहां से दिख रहा है मुझे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो यहां पर मैं यूज कर सकता हूँ लॉन्ग डिवीजन, तो इससे डिवाइड कर दो 4y² + 6 को, तो कितना आएगा देखो, तो वाई स्क्वायर है तो एक बार तो कट ही जाएगा, तो कितना लिख दें 4/9। देखो 4/9 × 9y² 9 से 9 कट गया 4y² आ गया, 4/9 × 4 कितना आ गया -16/9, सब्ट्रैक्ट कर दो ये कट गया, क्या बच गया 6 + 16/9, 9 LCM, तो ये कितना आ गया 54, एंड 54 + 16 70 आ गया, है ना 70/9। तो देखो तो यहां से क्या पता चला हमें कि 4, देखिएगा ध्यान से, 4y² + 6/9y² - 4 को क्या लिख सकते, कल बताया था 4/9, है ना 4/9 और प्लस 70/9 / 9y² - 4, यही तो बताया था कल, एग्जांपल भी बताया था, जैसे 9/4 लिखा है तो 4 से डिवाइड किया 9 को, 4 2 8 1, तो क्या लिख सकते हैं 2 1/4, है ना 2 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, 4 2 8 + 1, ऐसे इसको भी लिख दिया 4/9 + 70/9 9y² - 9, इतना आ गया। तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लिया, ऊपर ऊपर लेके चलते हैं इसको, मैं यहां बता देता हूं। तो देखो क्या था 4y², तो ये लॉन्ग डिवीजन हटा देता हूँ ना, समझ में तो आई गया क्या किया हमने, थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो देखो e की पावर x को मैंने क्या रख लिया था, थोड़ी देर के लिए y रख लिया था, ये इंटीग्रेशन वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये इतना आ गया, कितना आ गया 4/9 + 70/9 × 9y² - 4, है ना, इस एक्सप्रेशन को इतना लिख सकते हैं। अब वापस मैंने y की जगह लिख दिया e की पावर 2x, तो देखो 4 × e की पावर 2x + 6 + 6 / 9 × e की पावर 2x - 4, इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली 4/9 + 70/9, और y की जगह वापस रख दिया e की पावर x, तो e की पावर 2x - 4। तो देखो इसको अलग 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 कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो 4/9 का इंटीग्रेशन 4/9x प्लस, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाँ तो ये ऐसी चीज हमने कल की, तो e की पावर -2x से ऊपर नीचे डिवाइड कर 4/9x + 70 × e की पावर -2x, और इसको अंदर लेके जाएंगे तो 9 e की पावर 2x से कट जाएगा, -4 × e की पावर -2x dx। अब इसमें क्या करिए, आप डिनोमिनेटर को t मान लीजिए, y तो ऑलरेडी है, तो t = 9 - 4 e की पावर -2x, तो dt कितना आ जाएगा, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो कितना आ जाएगा -4 बाहर, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन e की पावर -2x, ठीक है e की पावर -2x, और -2x का डिफरेंशिएशन -2 एंड dx, तो क्या चाहिए हमें, सिर्फ e की पावर -2x dx, ये कितना आ जाएगा -4 × -2 8 dt/8, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखिए 4/9x + 70 × इंटीग्रेशन e की पावर -2x dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt/8 × और 9 माइनस, ये तो पूरा हमने t मान लिया था, ये आ गया, तो ये कितना आ गया आंसर 4/9x + 70 × 70/8 और log t + c 4/9x
प्लस ये कितना हो जाएगा 35/4 लॉग टी की वैल्यू रख दी, ये है 9 - 4 टाइम्स ई की पावर -2x प्लस ये आ गया। अब इसको ऐसा बनाना है ना, ये जो येलो में लिखा हुआ है ऊपर, तो यहां पर देखो ई की पावर 2x लिखा हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया कैसे 4/9x प्लस 35/4 लॉग, तो 9 - 4 अपॉन ई की पावर 2x प्लस सी 4/9x प्लस 35/4 लॉग, एलसीएम ले लिया तो 9e की पावर 2x माइनस 4 अपॉन e की पावर 2x प्लस सी, तो लॉग एम अपॉन एन लिखा हुआ है तो उसको लिख दिया लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग 9e की पावर 2x माइनस 4 माइनस लॉग ई की पावर 2x, और बेस तो ई होता ही है लॉग में, तो वहां से 2x बाहर आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है लॉग में, तो 35/4 लॉग 9 into e की पावर 2x माइनस 4 और पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, लॉग ई बेस ई कितना होता है 1, 35/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 35/4 लॉग 9e की पावर 2x माइनस 4 और माइनस माइनस कितना हो गया माइनस हो गया, तो और 35/4 into 2x प्लस सी, तो कितना आ गया यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 2 4, तो देखो 35/2 4/9, तो इन दोनों में सॉल्व करने के लिए 4/9x माइनस 35/2x प्लस 35/4 लॉग 9e की पावर 2x माइनस 4 प्लस सी, तो यहाँ से तो एक 35/4 आ गया, इसमें एलसीएम ले लो थोड़ा 18, तो कितना आ जाएगा 8x माइनस 35 into 9 एक्स, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, देखो 35/4 है ऑप्शन में, एक मिनट देख लेते हैं 35/ कुछ दिख तो रहा है ऐसा 35/4 35/36 दिख रहा है जगह, कहीं पर शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, 6e की पावर -x e की पावर x से मल्टीप्लाई किया है ना होल स्क्वायर, ये तो सही है मैथमेटिकली, ये y² हो गया, इसको स्प्लिट कर लिया, ये भी सही है क्या, सेम आएगा, एलसीएम लेके देखते हैं थोड़ा, 9 times 9y² - 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 36y² - 16 प्लस 9 से 9 कट जाएगा, ये तो पूरा ये जाएगा 70, तो ये आ गया 36y² 70 - 16 कितना हो जाएगा 10 - 6 4 और 6 - 1 5 डिवाइडेड बाय 9, 9y² - 4 9 से 4 and 6, ये तो सही है, देखो यहाँ तक बिल्कुल सही है, 4/9 70/9 9y² - y, तो वापस e की पावर x रख दिया, तो इसको लिखते हैं e की पावर x, तो e की पावर 2x, ओ दिख गया क्या, ये देखो ऐसा था, ये 9 एक बाहर है और ये 9y², चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं, 4/9 तो बाहर चला गया, 70/, तो ये 1/9 एक बाहर है, ठीक है, मतलब 70/9 बाहर है, बाहर का 9 हमने बस मिस कर दिया, तो 70/9, तो एक 9 पहले से है, तो एक 9 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक 9 और आ जाएगा हर जगह, 9 into 9 into, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो डिवीजन में 9 ही आएगा यहाँ पर, तो वो कट गया 35/9 और एक तो 2 ऑलरेडी था और यहाँ 35/9 है ये, तो ये 36 आ गया, 35/36 आ गया, एक ऑप्शन तो ये है, और यहाँ से कितना आएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 18 एलसीएम दिख रहा है मुझे, 8 - 35x 8 - 35, 35 - 5 30 और 30 - 3 2x,
27 माइनस का 27 बाई 18 मतलब 9 2 8 9 माइनस 3/2। तो देखो एक वैल्यू -3/2 और एक वैल्यू 35/36 है क्या है? डी पार्ट देखो चेक कर लो भाई आंसर सही है कि नहीं। फाइनली हमने निकाल लिया। हाँ ये दिस वाज वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन। तो ऐसा ऐसा एक्चुअली आईआईटी में भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो है आपके ट्रिक वाले आते हैं ना या फिर शॉर्ट में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर देंगे जो लेंदी हो, ठीक है, ताकि कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स की लेंदी क्वेश्चंस पे पड़ जाते हैं तो फिर उनका टाइम चला जाता है। तो यहाँ तो अभी हमारे पास टाइम था तो हमने किया इतना पूरा, है ना, और आंसर भी हमारा आ गया। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेई का तो एक एक क्वेश्चन पर 4 से 5 मिनट से ज्यादा ना बिताए। नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें, ठीक है। भले आपको लग रहा है कि अभी आंसर आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर लग रहा है 1-2 मिनट में आंसर आ जाएंगे तो कर दो, नहीं तो फिर अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको छोड़ दो, है ना, उसके पीछे नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बाकी क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई करें। लेकिन हाँ ये बात भी ट्रू है कि उसमें लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, ज्यादा नहीं कम ही आते हैं, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखिएगा, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये इसके बराबर लेके आना था, तो मैंने पहले e की पावर, तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि ये इसको होना हो y रखा हो गया, तो ये रखा होगा वाई, तो इसको बना लिया पहले, तो नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई, ऊपर भी कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया। अब इसको मैंने मैथमेटिकली अलग से सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं, देखिए पावर एक्स को वाई मान लिया ताकि मुझे ये ढंग से दिखाई दे क्या लिखा हुआ है, और फिर लॉन्ग डिवीजन करके इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख लिया, तो ये इसके बराबर आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, 4/9 का इंटीग्रेशन एक्स बाहर आ गया और 70/ अब इसके क्वेश्चन हमने कल किए थे कि ई की पावर एक्स नीचे है ऊपर नहीं है, तो उसको क्रिएट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर को टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट करके ई की पावर -2x dx की वैल्यू निकाली, dt/8 और यहाँ रख दिया लॉन्ग टी बन गया, और टी की वैल्यू वापस रख दी, है ना, टी की वैल्यू वापस रख दी, ये बन गया। अब इसको इस जैसा बनाना है तो इसमें ई की पावर 2x को देखो डिनोमिनेटर में लेके आए, ई की पावर 2x को डिनोमिनेटर में लेके आए, एलसीएम ले लिया और लॉग एम अपॉन एन लगा दिया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया, और लॉग का बेस बाय डिफॉल्ट ई रहता है ना, और यहाँ पर ऊपर भी ई की पावर में तो 2 की पावर x आगे आ गया, लॉग जो होता है पावर आगे आ जाती है, और लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x के टर्म्स को एक साथ लिख लिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो वहां से -3/2 आ गया और लॉग का जो कोफिशियंट है वो कितना आ गया 35/36। तो ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस स्टेटमेंट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें किसी को कुछ पूछना है? अच्छा बताओ समझ में आया क्या? साहिल, सूरत, साक्षी और नितिन, आप लोगों को समझ में आया कि ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। और नितिन, हाँ प्रैक्टिस करना होगा तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर सर जो है आपको ग्रुप में वीडियोस तो सेंड करते हैं, उसको दोबारा देख लेना, इसको दोबारा लगा लेना, एक दो बार लगाएंगे आ जाएगा। लेंदी है लेकिन टफ नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जैसे मैं बोल रहा था। देखिए दिखने में थोड़ा सा ये भी लंबी दिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 base e divided by x power 10 plus x, 10 power x plus x power 10, ये किसके बराबर है? ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको चेक करना है क्या ये सही है कि नहीं, और प्लस सी के बराबर।
तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट टू क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो ये बताना है वन एंड टू करेक्ट है कि नहीं, और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो इसको ध्यान से, अरे तो बड़ा सिंपल है, लॉग के अंदर ये दिख रहा है, डिनोमिनेटर ही दिख रहा है, और देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, और x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x की पावर 9। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू 10 की पावर x, x की पावर 10, तो dy कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर x log 10 और प्लस 10x की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय dx, है ना। तो इसकी जगह पर पूरा क्या रख सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर डी वाई रख दो, डी वाई अपॉन वाई, यहाँ हो गई कहानी खत्म, लॉग वाई प्लस सी आंसर आ गया, है ना। और क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ यही चीज तो लिखी हुई ऊपर, देखो नीचे फंक्शन अगर ऊपर उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो जैसा कल मैं बता रहा था, तो आंसर क्या आ जाता है, लॉग डिनोमिनेटर आंसर आ जाता है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट बता रहे हैं, हाँ ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसका और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर, 25 ओ इसमें तो तीन तीन फंक्शन है, देखो tan 3x, tan 2x, tan x dx, और ये दिया हुआ है इज इक्वल्स टू ln mod sec 3x अपॉन 3। बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है और ये बताना है कि ये क्या इतना आएगा, स्टेटमेंट वन। और स्टेटमेंट टू भी दिया हुआ है कुछ, स्टेटमेंट टू देखो क्या दिया हुआ है, टैन थ्री एक्स टैन टू एक्स और टैन एक्स इज इक्वल टू टैन थ्री एक्स माइनस टैन टू एक्स माइनस टैन एक्स। अरे तो कुछ याद आया, तो पहले तो यही बताओ, पहला वाला इंटीग्रेशन करेंगे कैसे करेंगे, अगर दूसरा वाला फॉर्मूला करेक्ट है तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर दूसरा वाला करेक्ट है तो इसको इंटीग्रेशन कर दो, इसको इंटीग्रेशन कर दो, और टैन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स आपने सुना होगा, मतलब पढ़ा होगा, किया भी होगा, लॉग सेक एक्स और एक्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करते गए, माइनस माइनस से लिखा हुआ, बस ये चेक कर लो क्या ये सही, तो कोई मुझे बताएगा क्या ये सही लिखा है, स्टेटमेंट टू इज दैट करेक्ट, टैन थ्री एक्स टैन टू एक्स टैन एक्स, क्या इसकी वैल्यू टैन थ्री एक्स माइनस टैन टू एक्स माइनस टैन एक्स होती है, याद है क्लास 11, देखिए ये करेक्ट है ना, कैसे tan x प्लस 2x, tan 3x लिख सकते हैं, tan 3x को इसमें लगा दिया tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये tan 3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया tan 3x इनटू 1, है ना, तो ये यहां से आ जाएगा माइनस tan 3x tan x tan 2x इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी, इसको राइट हैंड साइड ले गए, tan 3x tan 2x tan x, और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो देखो ये करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट है, tan 3x को x प्लस 2x लिख सकते हैं, a प्लस b का फॉर्मूला, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तो ये भी करेक्ट है,
मतलब स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, और आप अगर यही स्टेटमेंट ट्रू लिखेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के बराबर है, और इसका इंटीग्रेशन तो ये लिखा हो, मतलब स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट, एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बिना सेकेंड फॉर्मुला यूज किए हुए आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि तीन तीन फंक्शन है और तीन तीन फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हमें सिखाया नहीं गया, दो में ही हालत खराब हो जाता है बाय पार्ट्स में। ओके चलिए तो फिर यहीं तक रखते हैं हम, आपका जो लेवल थ्री वो बचा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको उसको लगा लीजिएगा, लगाते रहिए है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, मैं आपको कल मोस्टली आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट सेंड कर दूंगा, तो उसको लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज लिटिल मोर टफ देन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर तो आपका दिख रहा है जो ऑप्शंस में है ना, और उसको इंटीग्रेट करके आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है, तो आंसर से कुछ ज्यादा हेल्प मिल नहीं पाएगा, तो इसीलिए उसमें प्रैक्टिस थोड़ा और अच्छी चाहिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में विद डेफिनेट इंटीग्रेशन, थैंक यू वेरी मच। वेलकम नितिन।